रावत भाटा के चित्तौड़गढ़ में मेरा बूथ मेरा गौरव के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। 4.5 साल जिन कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज उठाई है उन कार्यकर्ताओं को टिकट में महत्व मिलेगा। मानव मंदिर मैदान में रविवार को आयोजित सभा के खचाखच भरे पंडाल में सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के शासन में जन सुनवाई सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की होती है, न कि आम लोगों की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि वह अगले 6 माह में बूथ प्रबंधन मजबूत करें और सभी को जोड़ें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता का न केवल विश्वास तोड़ा है बल्कि विश्वासघात किया है। आरोप लगाते हुए पायलट ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में 100 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इस सरकार के हाथ खून से रंगे हैं, किसान परेशान है, हर चीज महंगी है। 20,000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया, सब कुछ निजी हाथों में देने का अभियान छेड़ रखा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। कांग्रेस सभी कौमों को साथ लेकर चलेगी और राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। कार्यक्रम में पायलट ने पूर्व सांसद गिरजा व्यास की भी तारीफ की। कार्यक्रम में पूर्व सांसद गिरजा व्यास ने कहा कि देश में विकास कांग्रेस की देन है। आज देश में विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की हुई वह कांग्रेस कार्यकाल में हुई। संचालन प्रदेश कांग्रेस सचिव जितेंद्र टोंक कुशाल बारेशा ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता को, एक एक किसान को, नौजवान को लगेगा कि ये शासन मेरा शासन है, ये सरकार मेरी सरकार है। आपकी आवाज को सुना जाएगा, आपके काम को किया जाएगा, लेकिन अगले 6 महीने तक हमें मजबूती से अपने अपने बूथ पर, जैसा पांडे साहब ने कहा, अपने बूथ पर भी ताकत को दिखाना है। छत्तीस कौन पे लोगों को साथ लेकर चलना है, जातिवाद के जहर को खत्म करना है, भारत बंद करने की आज जरूरत ही क्यों पड़ी। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं के ऊपर, हमारे SC ST लोगों के ऊपर तलवार लटकाने का काम कर रखा है। बार बार सत्ता में बैठे लोग बोलते हैं कि संविधान से आरक्षण को खत्म करने पर विचार करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों करना पड़ेगा, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कभी किसी आदिवासी दलित भाई को भारत बंद करने की जरूरत पड़ी? कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मान सम्मान करना, संविधान की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व तो है। ये लोग झूठ बोलकर, गणेश जी को दूध पिलाकर 4.5 साल हो गए, गंगा साफ हुई नहीं, मंदिर वहां बना नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, नोटबंदी से लोगों की कमर टूट गई, महंगाई आसमान छू रही है, चीन पाकिस्तान आंखें दिखाता है। अरे किस भारत को दिया था आपको, आपने क्या हालात आज पैदा कर दिए। तो आपसे निवेदन है साथियों, एकजुटता से काम करो। 6 महीने बाद सरकार आपके बनने जा रही है, लेकिन अपने बूथ पर अपनी ताकत को आपको दिखाना पड़ेगा।